गाइज, मैं फिटशॉट फ्लेक्स जो है एम्ब्रेन की तरफ से इसका ऑलरेडी अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे बोट की वॉच वेव लाइट जो सेल पे जाने वाली है बहुत जल्दी 199 रुपीज़ में, और मतलब सेल पे ऑलरेडी है ये, और ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। बट फिटशॉट जो फ्लेक्स है ये भी बहुत अच्छी वॉच है, और इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ तो मेरे को पता है, मतलब यहाँ पे जो फीचर्स मिलते हैं आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं, और ये भी 1500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है। और बोट की वॉच वेव लाइट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 500 रुपये ज़्यादा आपको पड़ती है। तो देखेंगे दोनों में से कौन सी बेटर है, कि आप 500 रुपये ज़्यादा देके आप वेव लाइट लोगे या आप एम्ब्रेन की फिटशॉट फ्लेक्स से ही डेफिनेटली आप सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, और फिटशॉट फ्लेक्स ही आपके लिए बेटर रहेगी। तो देखेंगे इस वीडियो में। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शॉप सी एप्लीकेशन से अगर आप बुक करते हो फिटशॉट फ्लेक्स को तो आपको ये अराउंड 1400 रुपीज़ में पड़ जाएगी। वैसे 1500 रुपये की है, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से 50 रुपीज़ का बोनस ग्रैब ऑन करना मत भूलिएगा। आपको आपकी परचेज पे कैशबैक भी मिलता है हर एक प्रोडक्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। डिस्प्ले की बात करेंगे सबसे पहले, तो डिस्प्ले मैटर करती है। यहाँ पे 1.69 इंचेस की दोनों में डिस्प्ले मिलती है। फ्लेक्स में IPS पैनल यूज़ किया गया है, वेव लाइट में TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रेस्ट टू वेक दोनों में ही अवेलेबल है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं यूज़ किया गया। यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया। प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया, बट कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट कंपनी ग्लास यूज़ करती ही है अपने ब्रांड के साथ। और यहाँ पे शार्पनेस की बात मैं करूँ तो वेव वाले लाइट में आपको ज़्यादा शार्पनेस मिलेगी डिस्प्ले की एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्स। 500 nits की ब्राइटनेस आपको दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले के मामले में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है वेव लाइट, बट ज़्यादा नहीं है, मतलब माइनर सा चेंज है। अगर मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा यहाँ पे वेव लाइट को, तो 10 में से 8 दूंगा फ्लेक्स को, तो बस मतलब हल्का सा ही अंतर है। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउडलेस वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे 8 स्पोर्ट्स मोड दोनों में ही देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा कम लगा मेरे को फिटनेस वॉचेस में, कहीं ना कहीं 60-70 जब जहाँ पे बहुत सारी कंपनी दे रही है स्पोर्ट्स मोड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो बोट है या मतलब एम्ब्रेन है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें इनको ऐड करना चाहिए, कम से कम 30-40 स्पोर्ट्स मोड तो कम से कम ऐड करनी चाहिए। IP68 की रेटिंग मिलती है फ्लेक्स में, जो कि ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वेव लाइट में। IP67 की रेटिंग है। डीप स्विमिंग के लिए दोनों में से कोई सी नहीं बनी है, हल्का फुल्का वाटर चल जाएगा, बट यहाँ पे शार नहीं ले सकते, पूल में लेके नहीं जा सकते वॉच को, या स्विमिंग नहीं कर सकते आप। एक्यूरेसी की बात में करें तो 80% फ्लेक्स में मिलती है, वेव लाइट में आपको 85% तक की मिल जाती है। डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे, SPO2 के लिए रेड एक्शन का, HR मॉनिटर के लिए ग्रीन एक्शन का सेंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक्सेलोमीटर, ऑप्टिकल हार्ड सेंसर, जायसो सेंसर, ये सब चीज़ें आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं। अब बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, वाइब्रेशन तो आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, कॉल आईडी कॉल कट म्यूट कर पाओगे दोनों में ही। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ है, शटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात मैं करूँ तो 5.0 देखने को मिलता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन तो दोनों में ही देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा आपको, और एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलर काम किया गया है। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कंपनी ने अपना अपना यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर एक में कस्टम, एक में टिपिकल UI यूज़ किया गया है। सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलती है, और गेस्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्राउन दोनों में किसी का वर्किंग नहीं है, सिर्फ क्राउन एज अ बटन की तरह यूज़ होता है ऑन ऑफ बटन के लिए और मेन मेन्यू पे जाने के लिए। अब बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है वो एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते। 7 डेज़ का रन टाइम ज़रूर बताया कंपनी ने, ऑन द पेपर प्रोवाइड करती है, और 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम है, और करीब करीब 1 घंटे में वेव लाइट फुल चार्ज हो जाती है, और फ्लेक्स आपकी 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है। तो ये फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है आपको फ्लेक्स में। मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो ये बहुत अच्छी बात है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 15 से 18 वॉट के चार्जर से ही चार्ज करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे एक्चुअल यूज़ की बात करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन का डाउन करके आपको 5 दिन का रन टाइम मिल जाएगा दोनों में ही, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो 3 से 4 दिन आपको आराम से बैटरी चल जाएगी आपकी दोनों ही वॉचेस की। अब बात करें मेन फीचर्स की, तो HR मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है दोनों में ही, बट फ्लेक्स में आपको BP मॉनिटर का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो दोनों में ही, कैलोरी बर्न, स्ट्रेस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, जैसा मैं बता चुका हूँ आप सभी को, ज़्यादा स्लाइटली बेटर एक्यूरेसी आपकी वेव लाइट की एज कम्पेयर टू फ्लेक्स। ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, तो मेन फीचर्स में दोनों में ही बेटर काम किया गया है। फ्लेक्स में ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं फ्लेक्स को, क्योंकि यहाँ पे BP मॉनिटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। फ्लेक्स में मेरे को अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, मेरे को लग रहा है कि रियलमी वॉच S100 से मिलती जुलती इसकी बिल्ड क्वालिटी है। पॉलीकार्बोनेट लग रहा है मेरे को इसका डायल, एग्जैक्टली तो नहीं पता चल पा रहा है, बट हो सकता है। वेव लाइट में आपको एल्युमिनियम मिलेगा फॉर श्योर।
22mm स्ट्रैप साइज है दोनों का ही, तो आफ्टर मार्केट का भी आप चूज ऑन कर पाओगे। सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ भी किया गया है। और वॉच डायल एलुमिनियम आपको मिल जाएगा यहाँ पे वेव लाइट में एज कम्पेयर टू फ्लैक्स में। फ्लैक्स में भी एलुमिनियम का ही होगा, मैं एग्जैक्टली पता नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर आपको अगर पता चलता है तो ज़रूर आप मेरे को बता देना, मैं अपडेट कर दूंगा इन फ्यूचर वीडियोज़ में। राइट, अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। फिटशॉट फ्लैक्स 1500 रुपये मिल रही है, वेव लाइट आपकी 2000 रुपये मिल रही है। क्या वेव लाइट ज़्यादा वर्थ है फिटशॉट फ्लैक्स के? नहीं, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है ज़्यादा। आप अगर बोट की वेव लाइट के लिए जा रहे हो तो उससे अच्छा आपको फिटशॉट फ्लैक्स रहेगी, क्योंकि सारे के सारे फीचर सेम मिल रहे हैं। इवन यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग ज़्यादा बेटर मिलती है फिटशॉट फ्लैक्स में। आई नो एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन है, बट उतना मैटर नहीं करता। अगर आप ओवरऑल फीचर्स देखोगे तो फिटशॉट फ्लैक्स ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे 100 रुपीज़ का आपको और बोनस मिल जाएगा अगर आप थ्रू शॉप से बुक करते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 50 रुपीज़ का और बोनस ऐड हो जाएगा, तो 150 रुपीज़ का आपको कैश भी मिल जाएगा। 1350 रुपये की पड़ेगी फिटशॉट फ्लैक्स। सोचिए आप कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज कम्पेयर टू बोट की वॉच वेव लाइट, जिस पर आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ 2000 रुपये की आपको एज इट इज़ प्राइस में मिलेगी। तो गाइस, मेरा वोट जाता है फिटशॉट फ्लैक्स को। आप मेरे को जरूर बता सकते हो आपको दोनों में से कौन सी वॉच पसंद है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा, साथ में आप हमारे टेक कुक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।